1600 भट्टा श्रमिकों को बिहार भेजने की तैयारी में जुटा अमरोहा प्रशासन। बता दें कि अमरोहा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ईद भट्टा पर काम करने वाले 1600 श्रमिक भट्टा सीजन समाप्त होने की वजह से बेरोजगार हो गए हैं और उनके पास कोई काम नहीं है, जिसकी वजह से प्रशासन ने उनको उनके घर भेजने की व्यवस्था के तौर पर एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन सरकार से मांग करके चलवाई है, जो आज शाम को आएगी और इस ट्रेन के माध्यम से इन सभी बिहार निवासी श्रमिकों को घर भेजने से पूर्व अमरोहा के राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में बुलाया गया, जहां पर राजकीय इंटर कॉलेज में प्रशासन द्वारा इन सभी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है और इसके बाद इन सभी लोगों को स्वास्थ्य पाए जाने पर ट्रेन में प्रवेश करने से पहले उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए सभी श्रमिक मजदूरों को कच्चा राशन उपलब्ध कराया जाएगा। जानकारी देते हुए SDM विवेक यादव ने बताया कि सभी श्रमिक मजदूरों को उनके गृह जनपद भेजने से पहले उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और स्वास्थ्य आने पर ही उनको जनपद अमरोहा से रवाना किया जाएगा। जी सर, ये आज जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं, ये किस तरह से जा रहे हैं? जनपद अमरोहा में भट्टों पर कार्यरत जो श्रमिक थे, तो वो भट्टा सीजन समाप्त होने के कारण अपने घर वापस भेजे जा रहे हैं। यहाँ से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज शाम को 7 बजे चलाई जाएगी, जिसमें हमारे लगभग 1600 यात्री जो है, जो बिहार निवासी हैं और यहाँ पर भट्टों पर काम करते थे, उन्हें वापस उनके घर भेजा जा रहा है। सर, इनकी थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह हो रही है? जी, यहाँ पर इनके रुकने की और इनके थर्मल स्कैनिंग, मेडिकल जांच की और उनको घर भेजते समय खाने की और पानी की और मास्क की सुविधा प्रदान की जा रही है, ताकि ये लोग सुरक्षित अपने घरों तक पहुँचें।